हम जहां पर बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं? है जी, खुदा की महफिल, शाबाश, खुदा का घर, गिरजा, इसको मकदस भी कहते हैं। यीशु कहते हैं कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने अपने बदन की बाबत कहा था। शाबाश, जहां पर बैठे हैं ये मकदस है, और मकदस में जिसकी इबादत की जाती है वो मुकद्दस है, और जो गीत गाया जाता है, जो उसकी हमदोस्ताइश की जाती है, वो कदूस 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 है, कि वो पाक है, पाक है, पाक है, मुकद्दस है। और उसमें इस्तेमाल होने वाली किताब इकदासनामा, जो कुर्बानी चढ़ाने के लिए काम आता है, और जो पढ़ा जाता है कलामे मुकद्दस, मकदस, मुकद्दस, कदूसल कदास, कदासनामा और कदूसल कदास, पाक तरीन जगह। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो कुछ भी हैकल में इस्तेमाल होता है उसका एक खास मकसद है। अगर बखूर जलाया जाता है उसका खास मकसद है, अगर हमारे सामने सलीब रखी गई है इसका एक खास मकसद है। तो ये वो चीजें हैं जो एक हैकल को नमाया करती है, खुदा के घर को जाहिर करती है कि ये खुदा का घर है। तस्वीरें हैं, क्रूसिफिक्शन है, खुदा के घर में और दरबार में यही फर्क है। दरबार में आप देखते हैं किस तरह के रंग कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, और कई तो कई दफा हमारे मसीह जो है दरबार से इंप्रेस होकर चर्च को वो को भी वही पेंट का कर देते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में यही फर्क है। आज हमने देखा है कि खुदा आज के पहले तलावत में खुदा 10 हुक्म देता है। लिखा है उस वक्त खुदावन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई कि मैं खुदावन तेरा खुदा हूं जो तुझको मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। जाए, जा का मतलब क्या है? जगह, ठीक है। ये मैं आज ये 2-3 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। जाए गुलामी से निकाल लाया तेरे लिए, मेरे हजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। लफ्जों पर गौर करें फिर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। इन रोजों के अयाम में हम 14 मुकाम की इबादत भी करते हैं, और इबादत ना भी हो, ये इबादत हो, फिर भी कई दफा लोग जो है ना सजदा नहीं करते, सजदा नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर खराबी है, कुछ ना कुछ दिल में खराबी है, ईमान गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमारा ईमान क्लियर नहीं होता तो हम सजदा भी नहीं करते। लिखा है कि तेरे लिए मेरे और आपके लिए बात किया, तेरे लिए मेरे हजूर, ये किसका हजूर है? खुदा का हजूर है, खुदा की हजूरी है। मेरे हजूर तेरे लिए कोई दूसरा माबूद ना हो, कोई दूसरा माबूद ना हो। माबूद किसको कहते हैं? शाबाश, किसकी? जिसकी इबादत हो। माबूद किसको कहते हैं? जिसकी इबादत हो। अब ये लफ्ज आप ज़हन में रखिए, एन बे दाल, ये रूट वर्ड है जिसे लफ्ज बना है, और माबूद की इबादत करने वाले को आबद कहते हैं, एन बे दाल, इबादत। और जहां पर इबादत की जाती है, जहां पर आबद माबूद की परस्तश करता है, उसे अबादत दा कहते हैं, एन बे दाल, ठीक है।
ये रूट वर्ड है जिससे लफ्ज बनता है। तो आप अगर जब पाकलाम भी पढ़ते हैं तो ये चीजें मद्देनजर रखे, आपको बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और जहां पर इबादत की जाती है, इबादत प्रस्तुत की जाती है, उसे माबद कहते हैं। माबद यानी आप कई दफा फिल्मों में भी लफ्ज सुनते हैं, माबद जहां पर इबादत की जाती है, किसकी? माबूद की। और जो तरीकाकार है, जो सलीका है इबादत करने का, वो बयान किया जाता है किस तरह इबादत होती है। अगर मैं आपको कोई चीज ऐसी बताऊं ना तो आप वो लफ्ज भी इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत दफा हम जो बुतप्रस्ती होती है उसकी पूजा करते रहते हैं, और जो नहीं होती उसको बुतप्रस्ती समझते हैं। जो खुदा परस्ती है उसको बुतप्रस्ती समझते हैं, और जो बुतप्रस्ती है उसको हम खुदा परस्ती समझते हैं। इसलिए गैर महबूद, हमारा महबूद कौन है? खुदा। कितने? एक। उसकी बात करना, मेरे हजूर तू गैर महबूद की इबादत ना करना। तो ये हजूरी किसकी है? खुदा की। खुदा की हजूरी में खुदा की तस्वीर होनी चाहिए या किसी और की? खुदा यही कहता है कि मेरे हजूर तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। तो तराशी हुई मूरत जिसको तराश का बनाया जाता है, जैसे मेरी और आपकी तस्वीर भी है, और बहुत सारी तस्वीरें हैं, सबकी तस्वीरें, आईडी कार्ड पर की तस्वीर है, फेसबुक पर भी तस्वीर है, व्हाट्सएप पर भी तस्वीर है, और वहां पर बहस होती रहती है कि बुतप्रस्ती गैर तराशी हुई मूरत को सजदा ना करना, ना बनाना। तो अपनी तस्वीरें भी बनाई जाएंगे और शेयर भी करते जाएंगे, और समझ उनको ख्याति के तराशी हुई मूरत कौन सी है। तराशी हुई मेरे हजूर, गैर महबूद की परस्तिश ना करना, मेरे हजूर को तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे किसी भी चीज की। अब एक वक्त आता है, ये मुल्क के गुलाम है, मिस्र की गुलामी से रिहाई के बाद का पैगाम है। तो जब वादे की सरजमीन में दाखिल होते हैं तो अकदूसुल कदास जो है वहां पर कुरूबी बनाए जाते हैं। तो कुरूबी कहां पर होते हैं? जो हैकल बनाई गई थी, सुलेमानी हैकल, उसमें बहुत सारे स्टैचू थे, मुजस्मे थे, अंबिया कराम के मुजस्मे थे, फरिश्तों के मुजस्मे थे, जिससे पता चलता है, ठीक है, आप दानियल के किताब में भी पढ़ते हैं, मकाशवा की किताब में भी पढ़ते हैं, बुजुर्गों का जिक्र सुनते हैं, कुरूबियों का जिक्र सुनते हैं, बर्रे का जिक्र सुनते हैं, हवानों का जिक्र सुनते हैं। तो सारी चीजें बताने का मकसद है कि खुदा की हजूरी में क्या क्या है। तो जब फरिश्ते बनाए गए पाक संदूक के इर्द गिर्द हैं, उनके पार ऊपर से साया करें, जुड़े हों खुदा की हजूरी को जाहिर करने के लिए, फरिश्तों को सजदा करने के लिए फरिश्ते नहीं बनाए गए। तो ये सारी बातें उस वक्त के लोग सब जानते थे। पिछले एक बार हमने तब्दीली सूरत का वाकया सुना, तो उस तब्दीली सूरत के वाकया में जब शागिर्द है वो क्या देखते हैं, यीशु के साथ कौन कौन है, जी कौन कौन नजर आया? इलियास और मूसा। उनको कैसे पता चल रहा है कि इलियास और ये मूसा है? कहीं ना कहीं तो उन्होंने तस्वीर को, मुजस्मा कुछ देखा होगा, तो फिर पहचान गया ना। जब आपने मुझे नहीं देखा तो आपको क्या पता था ये फादर अलमास है, और जिस किसी ने देखा होगा वो कहेगा ये फादर अलमास है। तो अगर पता ही ना हो तो इसलिए अपने जहन को वसूसत दे, सोचे, स्टडी करें, फिर पता चलता है कि क्या क्या लिखा था, उसका मकसद क्या था। वैसे ही पढ़ के कह देना कि नहीं ये बुतप्रस्ती है, ये भी बुतप्रस्ती है, ये भी बुतप्रस्ती है, ये भी बुतप्रस्ती है, ये भी, ये भी। मेरे हजूर की तराशी हुई मूरत ना बनाना। इतना ये सारे 10 काम हमें अमल करने के लिए दिए गए हैं, और आप मुख्तसर में बताना चाहता हूं, ये तफसील बहुत ज्यादा है।
दस है काम है, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में खुदा से मुतलका हर काम है और दूसरे हिस्से में इंसानों से मुतलका है। जैसे हकूकुल्ला और हकूकुल बाद। हकूकुल बाद अबाद का मतलब क्या है? ये भी अबाद भी आबद से लफ्ज बना है। अबादत करने वाले मोमन, हकूकुल बाद लोगों के हकूक। तो पहले हिस्से में खुदा से मुतलका, दूसरे हिस्से में इंसानों से मुतलका। ऐ हमारे बाप की दुआ, पहला हिस्सा खुदा से मुतलका, ऐ हमारे बाप तू जो, तेरा नाम, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। दूसरा हिस्सा हमारे रोज की रोटी आज में, हमारे इंसान से मुतलका। तो यीशु से भी यही सवाल किया गया था कि ऐ खुदावंद रबी, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, सबसे पहला हुक्म कौन सा है? तो उसने दस हुक्म नहीं बताए, उसने ये दस सब हुक्मों का निचोड़ बता दिया कि सुन ऐ इसराइल, तस्मिया शराशे काम जो किया है, सुन ऐ इसराइल तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, उसे पूरी अकल से, पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से प्यार कर। और इसी तरह अपनी मानत, अहबाब 19वें बाब का ये दूसरा हिस्सा जो है, इसी तरह अपनी मानत अपने हमसाये को प्यार कर। हकूकुल्ला हकूकुल मालिक, खुदा से मुतलका हुक्म, इंसानों से मुतलका हुक्म। तो इसलिए ये सारी चीजें पैटर्न के तौर पर हमें दी गई हैं, हुक्म हुक्म है, अमल करने हैं। तो आज ये सारी जो दस काम है हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम इन पर अमल करके खुदा की और लोगों की खुशनुदी पा सके। जैसा अंजील मुकद्दस में लिखा है कि वो इंसानों और खुदा की मकबूलियत में बढ़ता गया। कतो कामत, खुदा और इंसानों की मकबूलियत में बढ़ता गया, खुदा की नजर में भी लोगों की नजर में। ऐसी तरबियत पानी है। आज की दूसरी तलावत में पाक सलीब के बारे में लिखा है, है भाइयों, यहूदी तो कृषि में जाते हैं मौज से। अपनी अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, हम भी बहुत मौज से जाते हैं, बहुत मौज से, मौज से कृषि में जाते हैं, मौज से ही मौज से, शिफा ही शिफा, मौज से ही मौज से। यहूदी तो कृषि में जाते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में, मगर हम उस मुसीब मसलूक की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर का बायस है, जो यहूदियों के नजदीक मसलूक, मसीब मसलूक की मुनादी यहूदियों के लिए ठोकर का बायस है और गैर कौमों के नजदीक हमाकत है। लेकिन बुलाए हुओं के नजदीक ही क्या यहूदी, क्या यूनानी, मसीह की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से नातर है और खुदा की तरफ की कमजोरी आदमियों से जोरावर है। अब हमारे सामने मसीहा मसलूब है, बड़ी स्लीप पर भी यीशु का स्टैचू है, मुजस्मा है, मसलूब, जिस पर यीशु स्लीप पर चढ़ा उसे मसलूब कहते हैं। तूने अपनी स्लीपी मौत से हमें रिहाई बख्शी, मखलसी बख्शी, स्लीपी मौत, स्लीप पर चढ़ना, क्रूसिफिक्शन, ये सिर्फ जस्ट क्रॉस है। किसकी क्रॉस? खाली स्लीप, किसी का पता नहीं चलेगा कि ये डाकू की है या किसी और की है। हाँ, इसका पता चलेगा कि यीशु की स्लीप है, जिस पर स्टैचू है वो यीशु की स्लीप है, ये बुद्ध परस्ती नहीं है। जो ये समझता है फिर वो तो पागलाम से गफल है। वो इसलिए कि पुराने हैदरामा में है कि खुदा ने किसी को नहीं देखा, लेकिन नए हैदरामा में यीशु क्या कहता है? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने योना की जेल पहला बाप, कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे, अब कलमा कौन है? यीशु मसीह है। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के, तो कलमा जो है वो मुतजस्सद, उसने जिस्म लिया,
बदल लिया और हमारे दरमियान रहा। और आप उसको यीशु को देखा किसी ने कि नहीं है नहीं? उसकी सूरत है थी कि नहीं? जिसने मुझे देखा उसने, तो जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देखा, तो ये यीशु की छवि है कि नहीं? यीशु की सूरत है कि नहीं? तो जिस सलीब पर यीशु की सूरत है वो हमारी सलीब है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ स्टैचू हो तो वो सलीब कैटलिक सलीब है या मसीह सलीब है, नहीं, उसके ऊपर लिखा हो यहूदियों का बादशाह, ये हमारी सलीब है। और कई लोग क्या कहेंगे, पाकला में लिखा है सलीब का निशान, ये मेरा और आपका निशान है, पगार का निशान है। तो जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो कई लोग जिनको समझ नहीं है तो वो क्या कहेंगे, कैथलिक खाले तक में मक्खियां चल देते हैं, है ना? क्योंकि समझ नहीं है, समझ नहीं है तो इसका गुनाह कर रहे हैं। अगर समझ हो तो गुनाह नहीं करेंगे, समझ है तो बार बार यहां पर आप तस्किया शरा शेबा पढ़े, वहां पर लिखा है निशानी के तौर पर अपने बच्चों को बार बार सिखा, उन्हें बता, सुन ऐ इसराइल तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, तुझे पूरी अकल से पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर। सबसे पहला हुक्म कौन सा है, सबसे अजीम हुक्म कौन सा है, सुन ऐ इसराइल तेरा एक ही खुदावंद, ये खुदा की अकल भी है और खुदा की तरफ इशारा है। दस हुक्म पहला हिस्सा, ऐ हमारे बाप पहला हिस्सा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, ठीक है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है पूरी अकल से पूरे दिल से पूरी ताकत से स्लीप बनती है, क्रॉस बनता है और उस क्रॉस पर हम अपने आप को देखते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो खुद ही निकाली करे, अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे। तो ये मेरी स्लीप कौन सी है, अपनी स्लीप, ये मेरा बदन है अपना है, मुकम्मल तौर पर यीशु के पीछे चलना है। ये नहीं अकेला चुक रहा हूं मैं, अमल पहाड़ा था खुदा दिया ने बाकी है जी, नहीं खुदा का क्या है, दिल खुदा का है। अच्छा खुदा का दिल है तो बाकी चीजें दिल मेरे ले ला, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है, दिल तेरा तू ले, बाकी चीजा किसी देनी है ना, लॉजिकल तरह देखे ना क्या कहते हैं हम। अपनी स्लीप उठाएं और ये स्लीप, अपनी स्लीप उठाएं और मेरे पीछे बोले। तो जो गैर कौमियों के लिए स्लीप का निशान हमाकत है, जो लोग स्लीप को नहीं मानते, स्लीप का निशान नहीं बनाते, स्लीप के पीछे नहीं चलते, यीशु के पीछे नहीं चलते, स्लीप नहीं उठाते, यीशु की स्लीप अपनी स्लीब उनके लिए तो हमाकत ही है, फिर स्लीब का निशान उनके लिए हमाकत है। लेकिन हम जात पालों के लिए खुदा की कुदरत और हिकमत है। आज के इस जिले मुकदस में हम हैकल के बारे में सुनते हैं और आज की पहली तलावत में के तू खुदा का नाम बेजा ना लेना, क्या लिखा है, तो खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, बेजा ना लेना, इधर लिखा है तो उनको सजदा ना करना, तो उनकी खिदमत ना करना, क्योंकि तेरा खुदा खुदा है, तुम मुझसे दावत करते हैं खुदा बाप दादी बदकारियों की सजा देगा, ठीक है। लिखा है तो खुदावत अपने खुदा का नाम बेजा ना ले। बेजा का क्या मतलब है जी, खुदा का नाम बेजा ना लेना, बेजा का मतलब है जी हर जगह, बेजा का मतलब है हर जगह, सही कहा बेटी ने,
जा का मतलब क्या है? जगह। शाबाश। जा का मतलब क्या है? जगह। उसी से गिर जा, गिर जा, गिरने की जगह, सजदा का। जैसे मस्जिद है ना, मस्जिद का मतलब भी सजदा का है, मस्जिद सजदा की जगह। गिर जा यानी गिरने की, सजदे की जगह, प्रस्तुति की जगह। जा का मतलब जगह है, तो बेजा, बेजा वो जगह जिथे खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए। बेजा इसका मतलब ये जा है जहां पर नाम लेना चाहिए, इसके अलावा कोई और जगह तो वो बेजा है। बेजा लफ्ज पर गौर करें और इस पर सोचे। जैसे मैंने पिछले द्वार की एक बात बताई थी कि ये खुदा का घर है, मखसूस है, दुआ का घर है, खुदा का घर है, दुआ का घर है। तो फिर कई दफा हम क्या कहते हैं, नहीं फादर जी साढ़े घर जीना पाक मास कर दो, साढ़े घर न बरकत मिल जाएगी। अच्छा, इतो बरकत नहीं जा सकती, उतो बरकत आ जाएगी। बेजा इसके अलावा भी बहुत सारी है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि हम क्रिश्चियन जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं ना, कहां कहां पर गलती करते हैं, और खासतौर पर वो जो खुदा ने अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं। इतवार का दिन आज इबादत का दिन है, ऐसा ही है ना। कितने लोग हैं जो इबादत के लिए आते हैं, छुट्टी है कि नहीं, कर सुनते हैं कि नहीं, वो सब ना चौथा बेचा नाम लेते हैं, बेफायदा नाम लेते हैं, फजूल नाम लेते हैं। खुदा कहता है जो मेरा नाम ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद कहते हैं, वो मेरा नाम बेफायदा लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे, गिरजे में नहीं आएंगे, इबादत नहीं करेंगे। सुबह इबादत होती है, इबादत नहीं करेंगे, हर रोज इबादत होती है, आज शुक्रवार इबादत नहीं करेंगे। तो खुदा का नाम भी फायदा कहां पर, सवेरे सवेरे झाड़ू फेरते होते हैं, फजल नाला करते हैं या नहीं, गटर चुकड़ के जाकर हालेलुया। ये वो पाक नाम है, खुदा कहता है वो हरगज बेगुनाह ना रहेंगे, लिखा है। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावंद उनको बेगुनाह ना ठहराएगा। दुआया शिपाही आ रही बाबे वीरता के आले भी अंदर टाइया मारन के काला कायम पढ़न गए, उसको आखन गए मारे बाप तू जो आसमान पर है सलामे मरियम को पता, वो सारे लोग नहीं फादर जी बाबे ने तो सलामे मरियम भी पढ़ी सारी। आम आम घर च कई पादरी पास्टर कई लोग जेड़े ने कहत लगते ही होंगे ने, ठीक है, पहला बाप बेटा करते होंगे ने, जो तो कुछ होर बन जाते ने की करते ने, दुआ करेंगे कभी बाप बेटा की उन्होंने शरीर का निशान बनाया नहीं। हाँ जो ध्याे घर आने उन्होंने पता है कैथलिक ने, वो जरूर करेंगे बाप खुदा बेटा खुदा। अच्छा बाप बेटा भी किता गलत कर देता है, तेने से खुदा है ही नहीं के, ना खुदा बाप है ना खुदा बेटा ना खुदा, तेने से खुदा है ही खुदा है के, खुदा बाप है, बाप बेटा और क्यों ना किता बाप बेटा वाला दस सकता कोई चंदे लई ईमान कोई नहीं बाप बेटा करने बाप बेटा का किता ना चंदा कोई देना, क्या ईमान है, बेफायदा नाम है, बेजा नाम है। इस तरह और बेशुमार जगह खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, बेजा नाम लेते हैं, वो जगह जहां पर नाम नहीं लेना चाहिए वहां पर भी नाम लेते हैं। तो खुदा कहता है कि वो बेगुनाह नहीं ठहरेंगे,
वो बेगुनाह ही ठहरेंगे। आज भी वो जगह है जहां से जो दुआ की जगह है, इबादत की जगह है, वहां पर क्या हो रहा है? कबूतर फरोश हैं, भेड़ बकरियां बेचने वाले हैं, सराफे हैं, नदी बखेर भी हैं, सराफों की नदी बखेर भी। ये वो सारी चीजें हैं जो एकल में इस्तेमाल होती थी, कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती थी। नकदी जो है वो मनी चेंजर थे, खुदा के घर में पैसे डालने के लिए उनको स्पेशल जो गियर चेंज करना है, पैसे चेंज करने हैं, तो खुदा कह खुदा को जो कैसर कह कैसर को दो। ये सारी चीजें हैकल से मुतलका हैं। क्या इनको हैकल के अंदर होना चाहिए या हैकल के बाहर? सोचने की बात है। तो खुदा यीशु मसीह ने इनको क्यों बाहर निकाला? क्यों निकाला? क्योंकि लिखा है कि खुदा का घर दुआ का घर है। और वहां पर एक बात उन्होंने बताई कि इस हैकल को उठा दो तो इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने अपने बदन की बाबत की इबादत कहा था, जैसे मुकद्दस कुलुसस उस फरमाते हैं कि तुम जिंदा खुदा की हैकल, खुदा का रूह तुम में, तो ये खुदा की हैकल है, खुदा का रूह उसमें बसा हुआ है। आपका बदन जिंदा खुदा की हैकल है, जिसकी तरफ यीशु भी इशारा करता है कि इस बदन को उठा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आज ये बातें मुझे और आपको अपने इस मकदस में, इस हैकल में देखने की जरूरत है। हो सकता है इस हैकल में तो कारोबार ना हो, यहां पर कारोबार हो रहा है। पाकला में लिखा है कि लालच बुत परस्ती के मुतरादिफ है। लालच बुत परस्ती के, अगर कोई बुत परस्ती करता है मैं लालच करता हूं, एक बराबर है। और लालच क्या है? 10 हुक्मों में से एक ऐसा हुक्म है कि लालच ना कर, हसद ना कर, चोरी ना कर। तो हो सकता है ये जो लालच हसद ये बुत परस्ती हमारे अंदर हो, ये बदकारियां ये गुनाह हमारे अंदर हो, आज इनको साफ करने की जरूरत है। इस मकदस में जो लेन देन हो रहा है, जो कारोबार है, जो बुत है, जो गैर माबूदों की परस्तश है, काबो परस्तश, गैर माबूद हसद भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, बुदूरत भी हो सकती है, नफरत भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है, उसको निकालने की जरूरत है, उसको निकालने की जरूरत है। इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारे जिस्म को, हमारे दिल को पाक साफ करे। जो भी गंदगी है, पाकला में लिखा है ना कि जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, जो अंदर से निकलती है यानी ऊंडेदियां, बदकारियां, जनाकारियां, लालच, झूठ, फ्रेड, वो इंसान को नापाक करता है। इसलिए इस हैकल को आज पाक करने की जरूरत है, और दूसरे लफ्जों में इस हैकल को भी पाक रखने की जरूरत है। क्योंकि आपके बच्चे इधर गालियां निकालते हैं, बदफेलियां करते हैं, ठीक है, पहले उधर की तार चोरी की थी है? इसकी तार काट कर ले गए हैं, इधर से भी काट तार जो बिजली है काट कर ले गए हैं, और किसी और को कोई जरूरत नहीं होती कि वो दरवाजा भी इधर आ जाए, अंदर आ जाए। ये हम में से हैं, और हमारे बच्चों को हमें पता है कि कौन है, इसलिए बराए करम इस बदी को, इस गुनाह को दूर करें। ये बड़ी बुरी बात है, बदनामी की बात है कि हम इतने लोग एक चर्च की रखवाली नहीं कर सकते। इस चर्च की रखवाली करना, देखभाल करना सिर्फ मेरा काम नहीं या बाबू जी का काम नहीं, ये हम सब के लिए मुकद्दस हैकल है। खुदा का घर हम सब के लिए है। हमने तो इधर इबादत करवाई, उधर चले गए, उधर चले गए, इलाके में गए, इधर तो आपने ही सब देखभाल करना है। इसलिए
पाक क्लब में लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। हमें देखना है, मैंने लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना गैरत ना, क्योंकि वो उल्टी समझ आ लगती है सानू, लेकिन आप अपने तौर पर समझे कि खुदा के इस लफ्ज का क्या मतलब है। पाक क्लब में लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। हमें इस घर को पाक साफ रखना है, इसकी देखभाल करना है, ताकि यहां से खुदा का जलाल जाहिर हो, अपना नहीं, मेरा नहीं। अगर मैंने अपना जलाल जाहिर करना तो मैं तो बहुत वैरायटियां लगाऊं, इधर ड्रामेबाजी करूं, लेकिन वो खुदा में नहीं है। इसलिए हमें इबादत करना है, तमाशा नहीं। इबादत में और तमाशे में बहुत फर्क है। इबादत होती है, नाम इबादत होता है, लेकिन तमाशा होता है। और आप सब जानते हैं, जब आप इस आईने में, इसकी रोशनी में, पाक कलाम की रोशनी में सब चीजें देखेंगे, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन खुदा में है और कौन खुदा से बाहर है, कौन कौन सा काम खुदा में हो रहा है, कौन सी इबादत खुदा में है और कौन सी खुदा के बगैर है, खुदा से बाहर है। खुदा से दुआ करें मेरे लिए और अपने लिए कि खुदा हमें अपनी राहों पर कायम रखे, जो उसने अपना पाक कलाम अता किया है इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल अता करे। मसीह खुदा उनके वसीला से, आमीन।